संगत तो पंजाब तो आए सिर कौम के नुमाइंदे हो। वाहेगुरु जी का खालसा। मैं अज बैठा सोच रहा सी कि पूरे 23 साल बाद मैनू पंथ ने याद किया तो मैं बगैर रुचत आ गया। असी हमेशा यह गल चाहते सी जिमें अज भुंदड़ साहब ने कहा कि पंथ में इकट्ठा होना चाहिए, पर मैं ये भी कहना देना चाहता वा भी तुसी पंथ नूं आवाज कर मर गए। 22 साल अपने आप विच मस रहे जिसके करके जो अकाली दल का नुकसान होया भावें वह तुहाडे कट्टर विरोधी सन पर उन्हां दे मन दे विच इस गल की बड़ी तकलीफ हुई भी अकाली दल नुकसान पहुंचे। मैं बहुती गल्लां नहीं करनियां चाहता वा, मैं सिर्फ यह बेनती करनी चाहता वा कि यह वक्त है कि अज सिख कौम इकट्ठी होके अपने जिहड़े मसले हैं उन्होंने सुलझाए। मसले तो कभी खत्म नहीं होंगे पर शुरुआत जिहड़ी है वह होनी चाहिए। बंदी सिंह की रिहाई वास्ते असी बतेरे अखंड पाठ कर ले, कानसा कर लिया, सब कर लिया पर हल्का गल नहीं बनी। कभी केजरीवाल कभी केड़ा तो कभी केड़ा। मेरी बंदी सिंह की रिहाई वास्ते सब तो पहली तजवीज हैगी कि तुसी 10 बंदे 11 बंदियां दी एक कमेटी बनाओ जिहड़ी सिखां दी नुमाइंदा जमात होवे। उसके भावें सिमरनजीत सिंह मान आवे या ना आवे उसके भी रिप्रेजेंटेशन दे। और भी कोई एक जथेबंदी है उन्होंने रिप्रेजेंटेशन दे दो। ते ए 11 बंदियां दा डेलीगेशन प्राइम मिनिस्टर नूं मिले ते होम मिनिस्टर नूं मिले। गल ए नहीं है कि दिल्ली की सरकार नहीं करती, कर्नाटका की सरकार नहीं करती, हरियाणा की नहीं करती। जब ये हुक्म कर देंगे तो फिर सारिया जड़िया सरकार है उन्होंने वस को नहीं इन्हों मिलने बाद सू पता चल जाएगा भी गुरु तेग बहादुर साहब के 400 साल शताब्दी तो मनाते पे हो। बहुत अच्छी गल हुई सरकार किसी सरकार ने नहीं मनाई पर जड़िया सिखा के मन के गल है पिछले साल तो उन्होंने दूर करो ना। जब किसी नूं कोई चीज कौम मिलेगी जिसकी वह खास करते पे वो दो जथेदार वारा छो राजे छो दविंदर पाल सिंह भुल्लर की फांसी सीधा माफ होया कितनी देर हो गई है। महीने का काम है इन्हें महीने का काम है कोई सुनवाई नहीं। ये सारिया गल्लां लैके बहुत वड्डे चंगे विद्वाना को मेमोरेंडम बनाओ इन्होंने नाँ के उत्ते ते प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर नूं मिलो अलग अलग ये मिलना बहुत जरूरी है। दूसरी मैं बेनती करनी चाहता वा कि इस साल गुरु के बाग के मोर्चे का 100 साल हो रहे हैं। 30 अक्टूबर नूं पंजा साहब के शहीदों का दिहाड़ा है। असी अपने वालों पाकिस्तान सरकार नूं चिट्ठी लिख दित्ती हैगी कि 500 सिंघां का जत्था पंजा साहब जाण दी सानूं इजाजत दिती जाए। मैं बेनती करता वा कि श्रोमणी कमेटी भी इस वास्ते पाकिस्तान की सरकार को लिखे। असी श्रोमणी कमेटी की अगवाई विच जाण वास्ते तैयार। और यह भी यकीन दवा देना चाहते हैं भावे मैं जिन्हें मर्जी चक्कर कटने पैण क्योंकि मैं तो फर्क है नहीं। मैंने तो 3 साल का वीजा दिता है, मैं तो 2 दिन भी जा सकता 5 दिन भी जा सकता। साडा आर्मी ने कोई जत्था जाता ही रहा परिवार चो जाता ही रहा। अज भी साडा जत्था गया होया पर असी ये चाहते हैं कि गुरु के बाग का मोर्चा श्रोमणी कमेटी बड़ी शानो शौकत न मनाए ताकि कौम के विच उन्हां महान सूरवीरां दियां जिथों अकाली दल पैदा होया सी उन्हां दी जिहड़ी हैगी ਉਸ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਣ ਕੀ ਹੈ ਕੀ ਨਹੀਂ।
इसके नाल खाली यही नहीं चलो बहुत अच्छी गल है बहुत अच्छी गल है ओ मैं दसना नहीं चाहिए मैं नोट बना के भेजा भी होया सी मैं नोट बना के भेजता सी जिस दिन साडे मन च आई सी गल मैं सब तो पहला नोट जिहड़ा सी तुहानू भिजवाया सी तुहानू पता नहीं पता मैं नहीं कोई लोग पर मैं जब गल कह रहा भाई ये जेडे फैसले हो गए ये फैसले नाल पासा कट्ठा होगा ये फैसला खाली यही नहीं है कि मनाना है इन्हों फैसलों के नाल कौम कट्ठी होगी जिन्ने अकाली दल बने शायद वह भी कट्ठे हो जाए मैं किस वास्ते कह रहा सिमरनजीत सिंह मानव ना लैके जाओ ताकि उन्होंने गल करने जोगी कोई गल ना बने भाई रणजीत सिंह जाता उन्होंने भी ना लै जाओ पर मैं ये जरूर गल कहना थानू मेरे संबंध सिमरनजीत सिंह मानव बड़े वधिया मैं उन्होंने लाइन बिल्कुल नहीं टोकरदा बिल्कुल नहीं लाइन टो करता पर वो कहने तू अपनी जगह मैं अपनी जगह मैं तेरे नाल हाँ मैं कह जी हाँ तो मैं थोड़े नाल तुसी बड़े हो मेरे तो पर मैं चाहता भारत की सरकार नू पता लग सके कि कौम बंती सिंह की राय के मामले वास्ते एकजुट है इस मामले के कोई तुफेड़ कोई बैर कोई कुछ नहीं पाया जा सकता पाकिस्तान जाने तो बाद जब असी उन्होंने शहीदों के विच भी ते जावांगे उन्होंने शहीदों नूं प्रणाम भी होगा तो होर शहीद भी होणगे जिहड़े कौम नूं औखे बुखे विच कुर्बानी दे सकणगे नाल मैं यह भी कहना देना चाहना कि 75 साल हो गए श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी और सारे अकाली दल ने ऐलान करन कि ननकाणा साहब सिखा नूं जाण दी खुल होनी चाहिए है जब भी वो चाहन उन्हां कोल पासपोर्ट होवे और उत्थे वीजा उन्हां रावत दिता जावे इन्हां नूं जब असी ये पंथक मुद्दे लैके अगे जावांगे अगर पंथक मुद्दे असी लैके जावांगे तो फिर गल बनेगी फिर गल चलेगी बाकी मैं ये भी कह देना चाहता वा अकाली दल नूं कायम करन वास्ते तुसीं सारिआं बुद्धिजीवियां नूं बुलाओ उन्हां दे विचार सुनो और विचार सुन के उसते अमल करन दी बेनती करनी ते मैं समझदा गुरु भले करेगा आपां पंथ नूं चढ़दी कला च लैके जावांगे अकाली दल जिहड़ी किसे इक बंदे दी विरासत नहीं सुके पंथ दी विरासत हैगी उह वी चढ़दीआं कलां जावेगी दोबारा पंजाब च राज करेगी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु।